अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ सब कहते होंगे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी अपडेट करूँगा ये डिलीवरी ड्राइवर का है, कार डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है, कार डिलीवरी बॉय का रिक्वायरमेंट है। और सैलरी बहुत अच्छा लगा है कंपनी ने, और कंपनी भी बहुत अच्छी है, प्लस कमीशन भी अच्छा दे रहा है। ये जो कार डिलीवरी ड्राइवर का जो काम है इसमें ACR पासपोर्ट भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ACR ना ही चलेगा, ACR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 200 बंदों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इसी के ऊपर पूरी बात होगी। रिटर्न और फ्रेश, इसमें फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, रिटर्न नहीं, फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा बात करेंगे कि मतलब फ्रेशर हैं तो उम्र क्या चलेगा, और मुस्लिम चाहिए नॉन मुस्लिम चाहिए, लाइसेंस कौन सा चलेगा, कितनी सैलरी होगा, और गाड़ी और इकामा, मेडिकल कार्ड, लाइसेंस ये सब कौन देगा, मोबाइल फ़ोन कौन सा देगा, ये सारा डिटेल में बात करेंगे। तो बस हम आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कार चला लेते हैं और हाउस ड्राइवर में जाना चाह रहे हैं तो हाउस ड्राइवर से ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि इसमें जाएंगे तो कंपनी में क्या होता है कि आराम होता है, टाइम टू टाइम ड्यूटी करो, उसके बाद फ्री रहो, आप कहीं पे भी आओ कहीं भी जाओ। हाउस ड्राइवर में क्या होता है कि बंधे रहना पड़ता है, और हाउस ड्राइवर में ऊपर से कमाई कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर टिप्स उस मिला के मतलब अच्छा खासा सैलरी उठ जाता है, 2,200-2,500 तक भी उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि सैलरी बेसिक ही ज़्यादा लगा हुआ है, इसने लगाया है कंपनी ने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आपको भगाना नहीं है, ज़रा भी पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, सारा डिटेल को आपको यहीं समझ लेना है। ये नहीं है कि नंबर लेके फिर आप फ़ोन करते हो, मैसेज करो, फ़ोन करो और फिर पूछो ये काम है कि नहीं, वो काम है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि आपको जब तक पूरी जानकारी मिलता है तब तक ये वैकेंसी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब वीडियो आप देखो तो 4-5 मिनट आपका मैं लूँगा, लेकिन अगर वीडियो पूरा देख के फिर अपने जॉब को प्रोसेस करेंगे तो 100% ये है कि आपको सारा चीज़ की जानकारी मिल गया है, आप टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट भेज देंगे और जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप जितना देर करेंगे तो वैकेंसी फुल हो जाता है, ठीक है, फिर आप लोग बोलते हो और हमारा हो नहीं पाया। तो यही है कि वीडियो में पूरे लास्ट तक अच्छे से बने रहो, पूरी वीडियो को समझो, और फिर उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको भेजना है, और जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा इसी व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, और उसके बाद में कोई भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं दे रहा है, वीजा एकदम से रेडी है, वो काला बना हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप लोग से ये कहूँगा कि अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर आईडी इधर आ रहा है, वीडियो पूरा पहले देख लो, जब वीडियो खत्म होने के बाद में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखेंगे तो जितना भी नया नया जॉब के बारे में अपडेट आता है वो आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे सारा वैकेंसी हम डाल नहीं पाते हैं, एक ही वीडियो डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से कह रहे हैं कि आप टेलीग्राम पे भी बने रहिए, ठीक है। तो वीडियो में बढ़ते हैं अभी आगे। सऊदी अरब के अंदर कंपनी का नाम है मोइन, ठीक है, मोइन कंपनी का नाम है, इसको 200 बंदों का रिक्वायरमेंट है, कार डिलीवरी ड्राइवर। कार डिलीवरी ड्राइवर का काम ये है कि जैसा इंडिया के अंदर जोमोटो जैसा आप देखे होंगे, ये ऐसी टाइप का होता है। तो जो भी अब ऑर्डर आता है उस लोकेशन पे जाके आपको डिलीवरी करना होता है, यानी मोबाइल आप कंपनी देती है तो उसके अंदर जो भी ऑर्डर होगा वो आपको पिक करना है और ले जाके उस एड्रेस पे ड्रॉप करना है। तो इसके अंदर जो डिलीवरी ड्राइवर चाहिए कंपनी को वो 200 बंदे का रिक्वायरमेंट है, और सैलरी लगाया है 1200 बेसिक देगा, 200 खाने के लिए, यानी 1400 आपको मिलेगा, 1400 में आपको खाना ये रहेगा आपका रहेगा, और प्लस पर डिलीवरी पे आपको कमीशन होगा, ठीक है। ड्यूटी 10 घंटे की होगी, और 10 घंटे में आप जितना भी डिलीवरी करते हो तो अब जितना दूर पे आप डिलीवरी करेंगे, 15 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर, तो उस हिसाब से आपका कमीशन बनेगा, ठीक है। तो ये कमीशन उसमें मिला के अच्छा खासा सैलरी उठता है, इसके अंदर 2000 के ऊपर ही उठता है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें 2000 ऊपर कमा सकते हैं, बाकी का कंपनी आपको रूम देगी और इकामा बनवाएगी, लाइसेंस बनवाएगा, गाड़ी देगा, मोबाइल फ़ोन देगा, सिम कार्ड देगा, इंटरनेट देगा, सब कंपनी, और तर तबीयत खराब होगा मेडिकल कार्ड भी मिलेगा आपको कंपनी देगी। 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल पर जब आप इंडिया आएंगे तो आपको आने जाने का दोनों साइड का टिकट मिलेगा, और उसके बाद में कोई भी सैलरी थी आपका गाड़ी का, लाइसेंस का, मेडिकल कार्ड का, कोई भी चीज़ का सैलरी थी आप कंपनी नहीं काटेगी, ठीक है। और इसके बाद में हफ्ते दिन एक छुट्टी भी मिलेगा, छुट्टी के दिन आप ड्यूटी जाएंगे वो अलग से आपको ओवर टाइम रहेगा। तो हमारा हम आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेश हैं, फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास में इंडिया का लाइसेंस है, कार चला लेते हो, अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो, लोकेशन पर गाड़ी चला सकते हो, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। और उसके बाद में इसमें वही बंदा अप्लाई करे जो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हो, ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए। अगर आप मोबाइल में कोई लोकेशन भेजता है
और या कोई बिल देता है तो एड्रेस देता है तो गाड़ी आप लोकेशन पे चला सको, बिल में क्या लिखा हुआ है, सामान पे क्या लिखा हुआ है, इतना आप पढ़े लिखे इतना बंदा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एकदम अनपढ़ ही हो, इतना पढ़ा होना चाहिए कि अगर सॉफ्टवेयर में ही ऑर्डर आता है तो क्या ऑर्डर आया है, क्या सामान का ऑर्डर आया है, कहाँ डिलीवरी करना है, वो सारा चीज़ उसमें लिखा होता है, तो इतना था पढ़ लो। और लोकेशन पे गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो ACNR पासपोर्ट हो चाहे ACR हो, पासपोर्ट का कोई इशू नहीं है, ACR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए, लोकेशन पे गाड़ी चला सको। और आपका पासपोर्ट के हिसाब से आपका जो उम्र है पासपोर्ट के हिसाब से वो 23 कम्प्लीट हो गया हो, ठीक है, और लास्ट 38 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारा चीज़ से जो क्लियर है आपका, तो आप इसमें बेहतर अप्लाई कर सकते हो। आपके पास इंडिया का कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, और वो भी चिप कार्ड वाला, ठीक है। तो अगर आप जाना चाह रहे हो तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट इस जॉब में अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एक CV के अंदर प्रोफेशन डालना है अपना, कार डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है। जो सारा डॉक्यूमेंट एक अच्छे से PDF बनाना है, स्कैन करा के और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। उसके बाद में आपको जो है ना एक वीडियो भी बनाना है कार चलाते हुए, और कार चलाते हुए जो वीडियो बनाओगे पहले आप ध्यान से सुन लो, किसी को साथ में ले लेना है एक बंदे को, और फिर आपको लेके जाना है कार कहीं और उसको ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करना है कि गाड़ी को पहले पार्क खड़ी करना है, और जो गेट खोल के अंदर आप सीट पर बैठेंगे तो बैठने से पहले आप गेट के पास में खड़े रहो, और जो बंदा वीडियो बनाएगा वो थोड़ा मतलब पीछे जाए और थोड़ा बैक साइड जाए, कैमरा वहाँ से स्टार्ट करे, कि उसके कैमरा के अंदर आपकी पूरी बॉडी और कौन सी गाड़ी चलाने जा रही हो पूरा आना चाहिए। फिर वहाँ से कैमरा स्टार्ट करके आपके पास में आए, फिर आप अपना नाम बताओ, मेरा नाम ये है और मेरा इतना उम्र है, मैं इंडिया में इतने साल से गाड़ी चलाता हूँ, ऑटोमेटिक ID सब चला लेता हूँ, और मैं अभी कार डिलीवरी ड्राइवर में जाना चाह रहा हूँ, मेरा सैलरी 1200+200 है और इस काम में जाने के लिए एग्री हूँ, और मैं गाड़ी चला के अभी दिखा रहा हूँ, ऐसा बोल के फिर अपना सीट खोले, गाड़ी में बंदा बैठे, अपना सीट बेल्ट वेल्ट लगाए, गाड़ी स्टार्ट करें। फिर गाड़ी जब स्टार्ट करें तो जो भी बंदा वीडियो बना रहा है वो पीछे से आके बैठ जाए, और फिर अच्छे से बनाए, नहीं तो फिर वो बाहर ही खड़ा रहे, आप कुछ दूर तक लेके जाओ, फिर बैक करके लाओ, इस पार्किंग लगाओ, इस तरीके से अच्छे से एक वीडियो शूट करना है, और वीडियो डॉक्यूमेंट एक साथ में भेजना है, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट को मोबाइल से फोटो खींच के नहीं भेजना है, स्कैन करना है, एक PDF फाइल बना के ही भेजना है, और जो बंदा जाना चाहता है वही डॉक्यूमेंट भेजे। बहुत से बंदे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, सिलेक्शन ले लेता हूँ, कंपनी सिलेक्शन हो जाता है, फिर बंदे बोलते हैं हमारा पासपोर्ट दूसरे एजेंट के पास है, दूसरे ऑफिस पे है, वो भी नहीं जा सकते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, बहुत सी कहानी बताते हैं। तो हम उन लोग से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वही बंदा भेजो कि जिसको जाना हो, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद आप जब नहीं कैंसिल करते हैं तो मुश्किल हो जाता है कंपनी को जवाब देना, तो सारा चीज़ पहले सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट भेजा करो, ठीक है। और कोई भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं देना है, पहले सारा काम हो जाएगा उसके बाद ही पेमेंट देना रहेगा, ठीक है। और काम बहुत अच्छा है, वैकेंसी वीजा एकदम से रेडी है, अगर आप जाना चाहेंगे तो जिस तरीका से बताया हो इस हिसाब से अपने जॉब को प्रोसेस करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जाना है तो जिस तरीका से बताया हूँ इसी हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करो, उसके बाद में फिर कॉन्टैक्ट करो, और यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया हो इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। फ़ोन भी नहीं करना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ में आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, ठीक है। बाकी का और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो का लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।